हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे शिव शक्ति पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम रनर चेसर क्या होता है? दोस्तों, ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है उसमें हमें बहुत से फेज से गुजरना पड़ता है। इसमें रनर चेसर फेज भी आता है। तो चलिए जानते हैं कि ये आखिर है क्या। दोस्तों, ये जो रनर चेसर फेज होता है, ये इसे सेपरेशन फेज भी कहा जाता है। दोस्तों ये सेपरेशन फेज क्या होता है? दोस्तों, साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो हम यह कह सकते हैं कि सेपरेशन दो बॉडी का होता है, ना कि सोल का। सेपरेशन का मतलब होता है अलग हो जाना कुछ टाइम के लिए, लेकिन इसमें बॉडी से इंसान अलग होता है, सोल से कभी नहीं। क्योंकि दोस्तों, इसमें दो बॉडी सेपरेट हो जाती है, इसे ही सेपरेशन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, सेपरेशन सबका हो सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम का कभी भी सेपरेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेपरेट होने के लिए दो आत्माओं का होना ज़रूरी है। यहाँ पर तो एक ही आत्मा है और वो भी दो बॉडी में है, तो सेपरेशन कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये सब एक सेपरेशन सिर्फ एक एल्यूजन होता है। असल में तो यह एक प्रिपरेशन का काम करता है। इसमें हम अपनी सोल पे वर्क करते हैं और यहाँ पर एक सोल है दोस्तों, और एक सोल का कभी भी सेपरेशन नहीं होता है। दोस्तों, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में बात की जाए तो एक ही सोल दो बॉडी में होती है, तो कहाँ से सेपरेशन हुआ? हमें सेपरेशन के लिए दो सोल चाहिए, ये मैं पहले भी बोली हूँ। लेकिन यहाँ तो दोस्तों एक ही सोल है ना, फिर तो सेपरेशन फेज कहा जाए फिजिकली रूप में होता है, सोल लेवल पर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इस फिजिकली सेपरेशन में यह होता है कि आप शायद उनसे मिल ना पाओ, उन्हें देख ना पाओ, उनसे बात भी ना हो पाए आपकी, आपको ब्लॉक कर दे वो, या फिर थर्ड पार्टी में वो चले जाएँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम एक जर्नी है जिसमें बहुत सारे फेज से आपको गुजरना पड़ता है। उस फेज में एक फेज बबल फेज का भी होता है। आप अपने काउंटर पार्ट से मिलकर आपको अपने खास होने का एहसास होता है। आप जिसका इंतज़ार करती हैं बचपन से, वो आपको मिलता है, तो आपको उसके साथ बहुत ही ब्लिसफुल होता है। अपने काउंटर पार्ट से मिलकर आपको एहसास होता है कि ये वही है जिसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, और बहुत ही डीप फीलिंग होती है। आपको आपके अंदर के डीप फीलिंग, इमोशन, थॉट, बहुत डीप लेवल पर आपको एहसास होता है उसके साथ। ठीक है दोस्तों, और वो आपका ट्विन ऐसा है जो आपके अंदर के डीप फीलिंग को, इमोशंस को, थॉट को, सबको जान लेता है आपके बिना कुछ कहे। तो ऐसा प्यार करने वाला काउंटर पार्ट मिलने पर आप खुद पर प्राउड फील करता है, आपको खुद पे प्राउड फील होता है, ब्लिसफुल होता है। कितने जन्मों के बाद आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं जो आपके लिए बना है, तो इसे बबल फेज भी कहते हैं। दोस्तों, यह सबके लिए डिफरेंट रहता है। किसी का 2 महीना चलता है बबल फेज, तो किसी का 10-12 महीना भी चल सकता है। यह सब अपनी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर निर्भर होता है। दोस्तों, इसके पास एक फेज आता है जिसे सेपरेशन पीरियड या रनर और चेसर का फेज भी कहते हैं। इसमें दोनों काउंटर पार्ट के बीच ब्लॉकेज आ जाता है और यह सेपरेट होते हैं। यह ब्लॉकेज बहुत तरह का ब्लॉकेज हो सकता है, जैसे चाइल्डहुड इशू, फियर, एंसेस्टर कर्स हो सकता है, चाइल्डहुड हुंड हो सकते हैं, ये कार्मिक रिलेशन उसके चलते भी ब्लॉकेज होता है, और आपको बहुत सारे ब्लॉकेज को हील करना पड़ता है, इसलिए सेपरेशन होता है। दोस्तों, यह जर्नी बहुत पेशेंस की जर्नी होती है। इस सेपरेशन फेज में बहुत लोग अपना पेशेंस खोने लगते हैं। दोस्तों, इस ब्लॉकेज को तोड़कर ही, हील कर ही आप अपने ट्विन पार्टनर से दोबारा यूनियन में आ सकते हो, इसलिए आपको इस ब्लॉकेज को हील करना पड़ता है। दोस्तों, इस कनेक्शन में डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या सोच होती है?
ठीक है दोस्तों, उनको भी बहुत ज़्यादा फियर इमोशंस से डील करना पड़ता है, और उनको अपने इमोशंस से डील करने में बहुत परेशानी होती है। फेमिनाइन से उल्टे होते हैं वो, क्योंकि फेमिनाइन अपनी इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है, लेकिन मैस्कुलाइन को थोड़ी दिक्कत आती है। इस वजह से वो इस कनेक्शन से भागते हैं, उन्हें डर लगता है इस कनेक्शन से। तो आप उनको टाइम दो, ठीक है, आप उनको टाइम दो, उनके अंदर जो हुंड है उनसे लड़ने के लिए उनको समय देना होता है, ताकि वो इस कनेक्शन को समझ सके। उनको थोड़ा समय दे, खुद को जानने का, समझने का, इस कनेक्शन को जानने का, समझने का, गॉड को समझने का, मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को रीस्टोर करने का समय दे। लेकिन अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे भाग रहा है तो आप उसे चेस ना करें, ठीक है, नहीं तो वो और दूर भागेगा। दोस्तों होता क्या है कि अगर वो सेपरेट हो जाता है तो आप उसके डर से, उसे खोने के डर से उसके पीछे भागने लगते हो, चेस करने लगते हो, और यहीं से रनर चेस फेज स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप उसको जितना चेस करोगे वो आपसे उतना ही रन करेगा, ठीक है, क्योंकि उस समय उसको आपकी एनर्जी फील नहीं होती है। तो आप उसको चेस करना बंद करो, कहीं से भी चेस मत करो, आप उसको थोड़ा स्पेस दो, नहीं तो वो अग्रेसिव हो जाएगा और उसको शांति नहीं मिलेगी आपके चेस करने से। वो अग्रेसिव हो जाएगा और वो अग्रेसिव होकर वो और भागेगा, तो उन्हें चेस ना करो। दोस्तों इस समय आप अपने मैस्कुलाइन को चाहती हैं, और चाहती हैं कि वो आपसे बात करे, आपके साथ रहे, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, पर दोस्तों इस समय उसे खुद के डर के साथ सामना करने दें, ठीक है। फेमिनाइन जो भी वह अपने मैस्कुलाइन को थोड़ा स्पेस दे, मैं फेमिनाइन से ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने मैस्कुलाइन को थोड़ा स्पेस दे, मैस्कुलाइन उनके पास ज़रूर लौट कर आएगा। दोस्तों वो आपके पास वापस लौट कर आएगा, प्लीज़ ट्रस्ट मी, ठीक है। इसमें दोनों भाग रहे होते हैं, मैस्कुलाइन अपने डर से भागता है कहीं मैं खुद को खो ना दूँ, और फेमिनाइन इसलिए भागती है कि मैस्कुलाइन के पीछे कि कहीं वो उसको खो ना दे। तो दोनों एक दूसरे को खोने के डर से भागते रहते हैं। दोस्तों इस समय फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी डिप्रीट होती है, वो लो एनर्जी से सफ़र कर रही होती है, और इसी एनर्जी से उसका पर्सन भागने लगता है, क्योंकि उसे इसकी एनर्जी फील ही नहीं हो पाती है। यह जितना चाहती है कि वो इसके पास आए वो उतना ही उसे दूर भागते रहता है। तो फेमिनाइन आप उसे चेस ना करें, आप अपने को हाई एनर्जी में लाएँ, खुद को खुद की केयर करें, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करें, खुद की ग्रेटनेस में आए, अपने पीस में आए, अपने लव के स्टेट में आए। और जब आप ये करने लगेगी, ऐसा करने की कोशिश करेंगी, इस स्टेट में आप रहने लगेंगी, तो फिर क्या होगा कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपके पास वापस आ सकता है, आपको उसकी एनर्जी फील होगी और आपके पास वो वापस आने की कोशिश करेगा। जब फेमिनाइन अपनी एनर्जी को बैलेंस करती है, अपने आप को लव करती है, खुद को पीस में रखती है, तो मैस्कुलाइन का हायर सेल्फ जो होता है वो मैस्कुलाइन को वापस आने पर मजबूर करता है। इसलिए डिवाइन फेमिनाइन खुद से लव करें। खुद से लव करने का मतलब है डिवाइन मैस्कुलाइन से लव करना, क्योंकि वो आपका ट्विन है, वो आपके अंदर ही है, ठीक है। तो आप अपना टेक केयर करें, खुद को लव करें, अपने ट्विन फ्लेम को प्यार करना, खुद को लव करने का मतलब है अपने ट्विन फ्लेम को प्यार करना। इसलिए डिवाइन फेमिनाइन खुद को प्यार दे, खुशी दे, तो डीप लेवल पर खुद को प्यार करने से आप हाई लेवल पर आएंगी और आपके मैस्कुलाइन को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एनर्जी लेवल पर आप दोनों कनेक्ट हैं एक दूसरे से, ठीक है। आप हर्ट लेवल पर भी कनेक्ट हैं आप एक दूसरे से, तो रनर चेसर फेज में आप हो तो आप खुद को शांत रखो, आप खुद को शांत बनाए रखो, और दूर से देखो कि वो आपका मैस्कुलाइन क्या क्या कर रहा है। आपका मैस्कुलाइन आपसे बात नहीं कर रहा है, फिर आपको ब्लॉक कर रहा है, 5 दिन के बाद फिर वापस आ जा रहा है, आपसे बात कर रहा है, फिर वापस चला जा रहा है, मैसेज कर रहा है, फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, आप मैसेज कर रहे हो तो इट्स ओके। आप दूर से खड़े होकर देखें, यह सब एल्यूजन है। आपका काउंटर पार्ट आपके पास वापस लौट कर आएगा,
इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को कोई भी नहीं तोड़ सकता है, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी दोस्तों। ये जो डिवाइन डिवाइन लव है, इसे इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है, आप खुद भी नहीं। आप उसे थोड़ा स्पेस दें, ठीक है, उसकी भी अवेकनिंग होती है, उनका हर्ट भी खुलता है। इतने दिनों से जो उनके हर्ट के चारों ओर वॉल बनाकर वो उन्होंने रखा था, उसे तोड़ने का, उसे सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन ही तोड़ सकती है। डिवाइन फेमिनाइन ही उनके हर्ट तक पहुंचती है, उनकी इमोशंस बाहर आने लगते हैं जो उन्हें कार्मिक से मिलते हैं। उनको इसलिए अपने इमोशंस को डील करना होता है। पहली बार उनके साथ यह सब हो रहा होता है तो फियर के रूप में नेगेटिव एनर्जी उन पर अटैक करती है, और उनके दबे हुए चाइल्डहुड, उनके चाइल्डहुड एडिक्शन, कार्मिक पार्टनर, तो यह सब सरफेस होते हैं। इस टाइम पर बहुत सी चीज़ें होती हैं उनके साथ, उनका कार्मिक पार्टनर भी वापस लौट कर आता है, तो इस समय उनको समझ में नहीं आता है कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। तो प्लीज़ फेमिनाइन एनर्जी, उन्हें थोड़ा स्पेस दे। वो कितना भी कुछ कहें, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुमसे मतलब नहीं रखना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो उसे कहने दे। आपको ब्लॉक कर रहे हैं तो आप उन्हें, तो उनको ब्लॉक करने दें। इसमें इसका यही रीज़न है कि वो खुद को नहीं देखना चाहता है, खुद की फियर को देखना नहीं चाहता है। अगर वो खुद को नहीं देख रहा तो आपको कैसे देखेगा? खुद के फियर से भाग रहा है तो वो आपसे भाग रहा है, वो आपके प्यार से नहीं भाग रहा है दोस्तों, वो खुद से भाग रहा है, इसलिए वो आपसे भाग रहा है। वो आपकी सोल से नहीं भाग सकता, क्योंकि दोनों की सोल एक है। भागकर खुद ही वापस आएगा, आपको फेस करेगा, तो खुद ही उसकी सारी निगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो वापस खुद ही आएगा, वो लौट कर आएगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। अभी वो निगेटिव जोन में है, इसलिए अभी उससे नहीं निकल पा रहा है। चाहे आपका ट्विन आपसे छोटा हो या बड़ा हो या फिर शादीशुदा हो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होता है, कि यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। वो हर चीज़ को पीछे छोड़ कर आएगा, ठीक है, आपके साथ के लिए। इसके लिए चाहे उसे अपनी रिलेशनशिप को छोड़ना पड़े, दुनिया वालों के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन वो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, वो थर्ड पार्टी में रहे या कहीं और रहे, इस कनेक्शन को तोड़ कर नहीं जा सकता, और आप भी इस कनेक्शन को तोड़ नहीं सकती। चाहे आप कितनी भी कॉर्ड कटिंग कर लो, इस वजह से आप ट्रस्ट रखें खुद पे, गॉड पे, वो अपने लव पर, वो आपके लव से नहीं भाग सकता, ठीक है, नहीं भाग रहा, वो खुद से भाग रहा है, खुद को समझ नहीं पा रहा है। इसलिए बस अब खुद को प्यार करें, मिरर में जाकर यही बोले कि मैं इनर वर्क करूंगी खुद के लिए भी और अपने काउंटर पार्ट के लिए भी, क्योंकि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि इनर वर्क करने से आपकी सोल की ग्रोथ होती है और आपके सोल के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका यूनियन होगा, चाहे जितना भी मुश्किल आ जाए, थ्री डी प्ले पे जितना भी मुश्किल आ जाए, आपका तो यूनियन हो के रहेगा दोस्तों। यह जर्नी साधारण जर्नी नहीं है, यह एक सोल की स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको अपने सोल मिशन के लिए आप अपनी सोल मिशन के लिए यहाँ पर आए हो, आपको गॉड के द्वारा चुना गया है, इसलिए आप इनर वर्क करते हैं तो आगे उस आपका मैस्कुलाइन आपको मदद करेगा, आगे आपके सोल पर्पस में आपकी मदद करेगा, सोल पर्पस को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। आप दोनों एक सोल फैमिली हो। आज आपके मैस्कुलाइन को आपकी ज़रूरत है, कल आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको मैस्कुलाइन की, ठीक है। वो लौटेगा, आप परेशान मत हो, हैप्पी रहें, लाइट रहें, पीसफुल रहें और अपनी लाइफ को आगे की ओर लेकर चले। तो दोस्तों, मैंने रनर और चेसर फेज की जो होती है वो मैं समझाई आप लोगों को, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों, यह TF जो जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी, यह थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि इसे पार नहीं किया जा सकता है, पार भी किया जा सकता है और आगे बढ़ा भी जा सकता है, हिम्मत से और पेशेंस से। ओके दोस्तों।